बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें और रोज़े रखते रहें, इबादत करते रहें। ठीक है, आमीन सुम आमीन। अच्छा, आपको आज मैं बता दूं कि आज मैं क्या बना रही हूँ। उसमें किसकी फरमाइश है? आपको तो देने पड़ते हैं ना कमेंट्स का जवाब। मोहसिन फारूक साहब। मोहसिन फारूक साहब, आप खुश हो जाए। आपकी रिक्वेस्ट पर मैं अभी और इसी वक्त मुझे ख्याल आया कि मुझे बनानी चाहिए। आप नाराज़ होते जा रहे हैं, बिल्कुल अब आप नाराज़ नहीं होइएगा। आपके लिए शरबत बन रहा है, ड्रिंक बन रहा है। तो ठीक है, आज हम बना रहे हैं आड़ू और आम का शरबत। जैसे वो टेट्रा पैक में मिलते हैं ना जूस, उसी टाइप का ये जूस होगा इंशाल्लाह। आपको बहुत मज़े का लगेगा। जिसके लिए हमने अपने ये गुठली के साथ नहीं, मैं बता रही आपको कि गुठली के साथ क्या वज़न है। इसको गुठली के बिल्कुल काट के, छिलका उतार के, गुठली उतार के इसका मैंने वज़न किया। ये 300 ग्राम है आम, 300 ग्राम है आड़ू और 300 ग्राम है चीनी। सिंपल सा हिसाब किताब है, तीनों की क्वांटिटी सेम है। और हम देखेंगे कितना पानी हमें चाहिए। डेढ़ गिलास दो गिलास पानी चाहिएगा हमें। और येलो हम थोड़ा सा कलर यूज़ करेंगे। और हम जो है ना एक दो तीन ड्रॉप्स जो है हम मैंगो एसेंस के यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। आड़ू, आड़ू का छिलका भी उतार लीजिएगा। ठीक है, आम और आड़ू गया है ये। और इसी में हम जाएंगे शामिल करेंगे चीनी। ठीक है, और इसको हम पकाएंगे जब तक ये घुल ना जाए, बल्कि एक मिनट। इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेंगे। डेढ़ गिलास हम पानी शामिल करते हैं। थोड़ा सा इसमें फूड कलर येलो वाला शामिल कर देते हैं, बस इतना ज़्यादा नहीं, दो तीन ड्रॉप्स। ठीक है, अब हम इसको पकाते हैं और जो है क्या कहते हैं फिर आपको मैं बताती हूँ। ये देखिए, 5 मिनट से इसको मैं पका रही हूँ, जैसे कैसे उबाल आ रहे हैं इसके। ठीक है, अब इसको चूल्हा बंद करके एसेंस कहाँ गया है, एसेंस शामिल करते हैं चूल्हा बंद करके। एसेंस शामिल किया है। ठीक है, अब इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। और इसको ठंडा होने के बाद जग में चलाते हैं, फिर इसका कंप्लीट जो है ना मैं आपको शरबत बना के बताती हूँ। ये देखिए, हमने जो आड़ू और आम का हमने बनाया था पानी डाल के, एसेंस और कलर डाल के, चीनी डाल के, अब हम क्या करते हैं इसको ठंडा हो गया, अब इसको जूसर में चला देते हैं। इसमें आप क्या करते हैं इसको निकाल के इसको जग में शामिल करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं शरबत। शरबत कैसे बनाना है, इसमें डाले बर्फ। उसमें किन की फरमाइश थी ड्रिंक की? मोहसिन फारूक। मोहसिन फारूक, खुश हो जाए। आज मुझे दो काम करने पड़े हैं। क्या कहते हैं, चना पापड़ी चना चाट भी बनाइए इसमें, और वो भी बनाइए शरबत भी बनाया और घर के भी काम किए। बस आपके लिए सिर्फ के ड्रिंक जो है वो आपको रोजे रोजे तकरीबन है ना? नहीं, 45 मिनट है। अच्छा, मैं तो दो गिलास बना रही हूँ ना। 13 तो मेरा। हाँ, 13 तो मेरा है। ठीक है, चलो खैर, बहुत मज़े की ड्रिंक बनी है। आपने ज़रूर इसको बना के ट्राई करना है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखें, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। देखें, मैंने पीछे प्रेजेंटेशन के लिए आम और आड़ू भी रख दिया ताकि तस्वीर अच्छी आ जाएगी। ठीक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे भी मुझे याद रखना है। एनवी में नारी रहा था। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या मैंने पंजाबी से आ गया था, इसमें की पाया सी। और कौन कहते हैं, मैं बड़ी स्पीड में बोल रही हूँ,
अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब, हाँ मैं बोल रही हूँ, बड़ी स्पीड में पंजाबी है ना अपनी जबान। अच्छा मैं लेसन 300 ग्राम अंब कट्टे हुए, 300 ग्राम आलू ही कट्टे हुए, ना तो गिटका का वजन है तो ना कुछ और छिलके का वजन है, बस कट्टन के बाद मैं नापे 300 ग्राम में चीनी ले ली, तो उन्होंने पानी पका लिया, डेढ़ गिलास पानी पा के मैं पका लिया। तो जो पकन तो पहले मैं ना कलर पाता से रंग पाया, तो उस बाद मैं ना जो चूल्हा बंद किया ना 5 मिनट पकाने के बाद, तो मैं पाया जे एसेंस पा लिया जी, मैंगो एसेंस। की फ्लेवर, की खुशबू, की टेस्ट है, उफ बस। तुम पियोगे, बनाओगे, ट्राई करोगे तो मैंने खुशी का जरूर कमेंट करोगे कि चीज़ वाकई बड़े मजे की बनी है। तो ठंडा ठंडा ठाक पियो। टेस्ट तू कितों चुकया? मैं खुशबू आ रही है। हाँ यही मैं कहना सी। हाँ तो चुके ही। हाँ तो इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त सन लगेगा, तो मैं जरूर तो याद रखना, तो कौन मोहसिन फारूक खुश हो जाओ। हाँ मैं आपने जरूर बना के ट्राई करना है, तो मैं जरूर तो याद रखना है। ओके अल्लाह हाफिज़।